जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय मां काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी पर महामाई का आशीर्वाद, मां काली का आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके चाहने वालों पर, आपके मित्रजनों पर, आपके परिवारजनों पर बनी रहे। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, सभी खूब तरक्की करें, माता रानी सभी की झोलियां भरे और सभी को निरोगी काया दे। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा, शिक्षक दिवस निकल गया होगा, टीचर्स डे निकल गया होगा, ठीक है? क्योंकि मैं शिक्षक दिवस टीचर्स डे के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज बड़ी एक अलग चीज हुई मेरे साथ। मैंने अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला था। मैं आराम कर रही थी दोपहर में और अचानक से दरवाजे पर कोई आया केक लेकर, और मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गई कि भाई केक किसने पहुंचा दिया। यूट्यूब से कोई ऐसे केक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिन बच्चों के पास मेरे एड्रेस है, मेरे एड्रेस या तो मेरे शिष्यों के पास है, या जो कभी माँ के लिए कुछ श्रृंगार वगैरह भेजते हैं या अर्जी लगवाते हैं, उनके पास मेरा एड्रेस है। इसके अलावा यूट्यूब पर मेरा एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो भाई अभी एकदम से कोई केक लेकर आए और बोले कि दीदी आप तो रख लो, माँ आप तो रख लो, हैप्पी टीचर्स डे, तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज हो गई कि भाई किसने भेज दिया ये केक। और कंफ्यूज होकर फिर मैंने ग्रुप में भी ये चीज डाली थी कि मुझे केक किसने भेजा है, मुझे पता ही नहीं। फिर बाद में जाके पता चला कि ये केक मेरे दो शिष्यों ने भेजा है। और मैं सच्ची में, मुझे अगर नहीं पता चलता कि ये केक कहाँ से आया तो मैं इसे फेंक दे दी, क्योंकि हो सकता है इस केक में अंडा मिला हो। मैं और मेरी माँ हम दोनों ही शुद्ध सात्विक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है ना? आप लोगों ने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे ना, या आपसे कोई बोले कि अंडा शाकाहारी होता है, आप अंडा खा सकते हैं, तो आप उनको बोलना कि भैया आप हमें ये बताओ कि अंडा किस खेत की मूली है। कहने का मतलब ये है कि अंडा किस खेत में लगता है, अंडा कौन से पेड़ पर लगता है, कौन से वृक्ष में लगता है, जरा पूछ कर आना। क्या अंडे से कोई जीव बाहर निकल सकता है अगर हम उसे ना खाएं तो? ये सब अपनी जुबान का टेस्ट है, ठीक है? तो मुझे नहीं पता था किसने भेजा है, और अगर मुझे कोई नहीं बताता तो मैं वाकई इस केक को फेंक देती या किसी बच्चों को बाहर दे देती, क्योंकि मैं तो अंडे वाला केक नहीं खाती। तो बस बाद में पता चला कि मेरे शिष्यों ने ये केक भेजा है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना प्यार करते हो ना मुझे कभी कभी हजम नहीं होता, सच्ची में बता रही हूँ। पर ठीक है, माँ की कृपा है, जिस पर माँ 10 भुजाएं फैलाकर कृपा करती है, माँ उसकी ऐसे ही जय जयकार कराती है, उसे इतना ही मान सम्मान मिलता है। इसलिए कहती हूँ किसी से उम्मीद ना रखें। क्या होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी के यहाँ भी, और वहां अगर हमारे मान सम्मान में कुछ कमी हो जाती है ना, तो हम घर आके ताने मारते हैं। जैसे आप अपनी पत्नी के ससुराल गए, वहां आपको मान सम्मान थोड़ा कम मिला, तो आप घर आके अपनी बीवी को ताने मारेंगे, हमारा सम्मान नहीं हुआ हमारी। देखो, सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं होती, ये खुद पर खुद मिलता है, खुद पर खुद। और आप लोग मुझे इतना सम्मान करते हो ना, मैं माँ का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि माँ मैं इस लायक नहीं हूँ जो तू मुझे इतना प्यार इतना सम्मान दिलवाती है। जहां जाऊं आज, घर से बाहर निकलूं, लोग इतनी इज्जत देते हैं, और माँ काली की बेटी आ गई, जब ये सुनती हूँ ना तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस, और कुछ गिफ्ट भी आए हैं, सोचा वो भी मैं आपको बता दूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, सभी कमेंट में सभी को जय माता दी लिख देना है, और लाइक जरूर किया करें जितने भी लोग देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है? लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं, तो लाइक कर देना। और जन्माष्टमी की अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का व्रत आप सभी को करना है, कंपलसरी है, मेरे शिष्यों को कंपलसरी है, बाकी जो लोग मुझे मानते हैं उन लोगों को भी जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना है। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम अपने जो गिफ्ट बच्चों ने भेजे हैं मुझे, जो माँ के लिए आए हैं, वो हम खोलेंगे नंबर बाई नंबर। और हाँ, एक चीज मैं बताऊंगी, दक्षिणेश्वर से माँ काली का प्रसाद मेरे पास आया था, लेकिन वो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। मैं उसका यहाँ फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। दक्षिणेश्वर से ये प्रसाद आया था, और मैं सच्ची बताऊं इतनी ज्यादा खुश हुई उस प्रसाद को देख के, मुझे उम्मीद नहीं थी। एक बार वैष्णो देवी से प्रसाद आया, फिर दक्षिणेश्वर काली से प्रसाद आया, और बस सब कृपा है, इसे ही बोलते हैं माँ की कृपा, जो घर बैठे ही माँ अपनी कृपा बरसा रही है। बहुत कृपा है माँ की। हर सिद्धपीठ से मेरे पास प्रसाद आ ही रहा है, हर सिद्धपीठ द्वार से,
तो बस क्या बोलूं, सब कृपा है, बड़ी कृपा है माँ की। चलो तो फटाफट से हम ये जो गिफ्ट आए हैं वो हम खोल लेते हैं। सबसे पहला तो ये गिफ्ट खोलेंगे, ये मेरी शिष्य ने भेजा है। इसमें है माँ के लिए चुनरी, ये देखिए बहुत प्यारी चुनरी माँ को। अभी मैं समर्पित करूंगी, ये देखिए चुनरी है, और मैं कोशिश करूंगी इसे नवरात्रि में पहनूं, क्योंकि मैं नवरात्रि के 9 दिन 9 प्रकार की साड़ियां पहनती हूँ, सिर्फ नवरात्रि में ही, बाकी तो बहुत कम मैं साड़ियां पहनती हूँ। तो नवरात्रि में मेरा हमेशा रहता है 9 दिन मैं साड़ियां ही पहनती हूँ, अलग 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 9 कलर की। तो ये साड़ी है और ये बहुत प्यारी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं माता रानी को ये समर्पित करूंगी साड़ी। इसके बाद एक और गिफ्ट आया है, ये भी माँ की चुनरी है और ये बहुत प्यारी है। देखो इस पे माँ का मुख बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसा है, मतलब ये कंधे पर डालने वाला है शायद, है ना। ये भी मैं माँ को ही पहनाऊंगी। ये देखिए ये आगे से ऐसा है और ये चुनरी है ऐसी, ठीक है, और पीछे से भी इसमें चुनरी है। ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। और ये मैं सोच रही हूँ नवरात्रि में, सॉरी नवरात्रि में नहीं, अभी कल जब मैं माँ का श्रृंगार करूंगी, जन्माष्टमी का श्रृंगार होगा माँ का, उसका वीडियो भी आपको मिलेगा, तब मैं ये माँ को पहनाने का सोच रही हूँ, या फिर कोशिश करूंगी नवरात्रि में पहनाऊँ। जब भी माँ की इच्छा होगी माँ पहन लेगी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे प्यारा जो गिफ्ट है वो ये है, तो इसको अब हम खोलेंगे। मेरी शिष्य ने ही भेजा है, जो मुझे बहुत प्यार करती है। प्यार तो खैर सभी करते हैं, और ये जो मेरी शिष्य है ये डॉक्टर है और अच्छी राइटर भी है, लिखती भी है। ये देखिए इसने कुछ लिखकर भेजा है जो मैं आपको अभी अच्छे से पढ़ के बताऊंगी। इसने लिखा है, छनक है नाम जिनका, बन बैठी है बहुतों की गुरु माँ, ऊपर वाले ने क्या किस्मत है सुधारी, मिला दिया है तुमसे ओ छनक दीदी प्यारी। माँ को तो बचपन से है माना, किंतु छनक दीदी से मिलकर बेहतर है उनको जाना। माँ के रंग में रंग जाए हैं, छनक दीदी से ज्ञान पाए हैं, धन्य हुए हैं उनसे मिलकर, माता की कृपा है जिन पर। कलयुग में ज्योत जगी है न्यारी, छनक दीदी तुम सबकी हो प्यारी, धन्य 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 है वो, काली माँ की बेटी है जो। अरे वाह, और नीचे लिखा हुआ है काली माँ की बेटी। रुला देते हो कई बार तुम लोग मुझे, इतना प्यार देते, इस लायक मैं हूं नहीं। थैंक यू माँ। और ये कुछ गिफ्ट है, और अब हम बता देते हैं आपको केक जो आज आया है। हाँ, केक से याद आया, आज मेरे एक शिष्य का जन्मदिन भी है, तो उसको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भी माँ का पता नहीं क्या संयोग है कि जन्मदिन मेरे शिष्य का है और केक मेरे पास आया है। तो तुम्हारा नाम लेकर हम ये केक काटेंगे आज, और तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ, सही मार्ग पर चलो, अपने गुरु का भी नाम बढ़ाओ, अपने कुल का भी नाम बढ़ाओ, और अपने माता पिता का, अपने इष्ट का नाम बढ़ाओ। ये रहा केक, और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें अंडे नहीं है, तो ये भी मैं पहले माँ को ही दूंगी उठा के। इस केक के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू।
और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही वीडियो था आज का। सभी को जय माता दी, सभी को बहुत बहुत प्यार। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी माता काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।